अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और हम लोग आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आप लोग फेमिलियर हैं अलजबरा से। अलजबरा क्या होता है, जिसमें वेरिएबल भी यूज होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी यूज होते हैं, 2x² + y एटसेट्रा, ये इक्वेशन आप लोग स्टडी करते आए हैं मैथ के अंदर, इनको प्रैक्टिस करते आए हैं। बच्चों आप थोड़ा सा डिफरेंट अलजबरा आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बूलियन अलजबरा कहते हैं। बूलियन आपने वर्ड को अंडरस्टैंड कर लेना है, अलजबरा का मतलब आपको समझ आ जाएगा। बूलियन कहते हैं एक्चुअली उस वैल्यू को कहते हैं, बूलियन एक्चुअली एक वैल्यू है जो कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है, उसको बूलियन वैल्यू कहते हैं। वन और जीरो की फॉर्म में, यस और नो की फॉर्म में, यानी कि तीसरा कोई भी कोई चीज नहीं आ सकती, यस या नो, वन और जीरो, ट्रू और फॉल्स। इसका नाम बूलियन कहां से है, एक्चुअली इसको जॉर्ज बूल ने फॉर्मुलेट किया था, बनाया था। और इस जो ये जो अलजबरा है, इसको एक्चुअली अलजबरा ऑफ लॉजिक कहते हैं, अलजबरा ऑफ लॉजिक, ठीक है। इसको अलजबरा ऑफ लॉजिक कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम अपनी लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद याद रखिए, इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स और सिंबल्स यूज करते हैं। और इसको अलजबरा को इसलिए बनाया गया था कि हमारे पास बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, बजाय इसके मैं पूरा बोर्ड भर दूं, उसके बजाय हम क्या करेंगे, हम सिंबल्स यूज करेंगे। हम किसी भी स्टेटमेंट को उस सिंबल के इक्वल रख लेंगे और फिर वो जो है ना हम काम करवा सकते हैं, उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने इसी अलजबरा को, क्योंकि वो जॉर्ज बूल नाम था उनका, तो उन्होंने अपने नाम से ही इसको बूलियन अलजबरा, इस अलजबरा का नाम बूलियन अलजबरा रख दिया। तो और उन्होंने एक वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस करवाई जिसको बूलियन वैल्यू या ट्रुथ वैल्यू भी कहते हैं। इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज अभी मैंने आपको बताई, इनको ट्रुथ वैल्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ट्रुथ वैल्यूज, इनको ट्रुथ वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो वो ये है कि इनके अंदर स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। वो स्टेटमेंट्स खास तरह की हैं, वो स्टेटमेंट है जो कि या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है आपके पास, वो है बच्चों, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। अब इस स्टेटमेंट को आप देखें बच्चे, इस स्टेटमेंट का आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो जाएगा, होगा तीसरा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर इसका ये अगर आपसे आपसे पूछी जाए, क्वेश्चन किया जाए आपसे, या वैसे लिखी हुई हो, ये सेंटेंस लिखा हो, तो आप इसको देखते हुए दिन देखें कौन से आज क्या वाकई ही मंडे है। अगर तो मंडे होगा तो फिर आप कहेंगे ठीक है ये बात सही लिखी है, वरना ये बात क्या होगी, गलत होगी, बात खत्म होगी, या ठीक होगी या गलत होगी, दुरुस्त होगी या गलत होगी, ट्रू होगी फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो उसको वन भी कह सकते हैं, ट्रू है तो उसको यस भी कह सकते हैं, फॉल्स है तो उसको जीरो कह सकते हैं, फॉल्स है तो उसको नो भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज और, इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, ट्रूथ वैल्यू, जो कि जीरो या वन की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब बच्चों ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इन स्टेटमेंट्स को कहते हैं प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, प्रोपोजिशंस कहते हैं। अब ऐसे स्टेटमेंट जिसका आंसर, जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हो, उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, अगर ये मैं लिख दूं क्वेश्चन, या वैसे मैं करूं किसी से भी क्वेश्चन करूं, तो देखें अगर हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा। अब एक कहेगा कि अली, उस्मान, समथिंग डिफरेंट, कोई भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं है, लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन करूं आर यू मुस्लिम, तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर तो मुसलमान होगा कोई बंदा तो कहेगा हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ, वरना वो नो कह देगा, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से, या अगर ये पूछा जाए आर यू पाकिस्तानी, तो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में इसका आंसर आएगा, तीसरा आंसर कोई भी नहीं आ सकता। तो ऐसी जितनी भी स्टेटमेंट है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, उसको कहते हैं प्रोपोजिशन। जिसका आंसर कुछ और आए, यानी कि ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ और आए, तो उनको प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे, वो प्रोपोजिशन नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस अलजबरा के अंदर ये करते हैं, हम अपनी पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम इनको किसी भी करेक्टर से
के इक्वल कर देते हैं, करेक्टर इसको असाइन कर देते हैं इसको। अब होगा क्या, मैं जहां जहां पे ए लिखूंगा उसका मतलब होगा टुडे इज मंडे, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल, ये टू स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं, इसको असाइन कर देता हूं बी करेक्टर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस अलजबरा की ये खसूसियत है कि ये एडवांटेज है कि हम पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय उसको सिंबल से असाइन कर देंगे और वही सिंबल हमें क्या करेगा, उसी के मीनिंग प्रोवाइड करेगा। बस हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, वो क्या है टुडे इज मंडे। अब जितने मैं ए लिखता जाऊंगा उसका मतलब होगा टुडे इज मंडे। अगर मैंने यही स्टेटमेंट 10 बार लिख लिया तो बजाय इसके मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूं मैं 10 टाइम ए लिख दूंगा। अब वो कैसे होगा, वही होगा वो आगे हम जाके आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम इन स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं बच्चों। ज्वाइन करने के लिए ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और बच्चों इसमें 3 ऑपरेटर्स हैं जस्ट, एक है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर्स अवेलेबल है। एंड का मतलब है और, ठीक है, इसका मतलब है या, इसका मतलब है उसका उल्ट, इनवर्ट, उसका किसी भी चीज का इनवर्स। याद रखिए जब भी हमने ये कहना हो कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, अगर मैंने ये कहना हो कि आज मैं स्कूल में भी हूं और आज का दिन मंडे भी है, यानी कि दोनों काम मैंने साथ कहने हो, तो फिर हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैं लिख दूंगा ए एंड बी, इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ए का क्या मतलब है टुडे इज मंडे और बी का क्या मतलब है आई एम इन स्कूल। तो जब इसको हम रीड करेंगे कुछ ऐसे रीड करेंगे, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। एंड का, एंड ऑपरेटर एक्चुअली दोनों का ट्रू होना जरूरी है, दोनों को वहां पे दोनों का यानी कि इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, यानी कि आज का दिन मंडे भी होना चाहिए और आज आपको स्कूल में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर ये चलेगी। या अगर हम ये बात करें कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कर लें कि अगर मेरे पास पैसे होंगे, ठीक है, और मेरे पास टाइम भी होगा एक किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का, तो फिर मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दूंगा। क्या मतलब, दोबारा एग्जांपल को देखें, अगर मैंने ये कहना हो कि हम कंडीशन लगाते ना कैसे भी कि मैं भाई ये काम होंगे तो मैं ये काम करूंगा, कोई बंदा आपको कह रहा हो यह फंक्शन ऑर्गेनाइज करो, तो आप फिर वहां पर 2 कंडीशन लगा दें कि भाई जब मेरे पास पैसे होंगे और जब मेरे पास टाइम होगा फिर मैं फंक्शन ही ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई और ये दोनों जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक आप फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। क्या मतलब, आपके पास पैसे भी होने चाहिए और आपके पास टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ये और वो दोनों काम का होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कह दे भाई तू पैसों का फिक्र ना कर, ठीक है, या अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो टाइम का फिक्र नहीं करना तुमने, ठीक है, एक चीज मैं अरेंज कर लूंगा, किस ना किस तरीके से हैंडल कर लेंगे टाइम, जो उस टाइम के अंदर अगर पैसों का मसला तो मैं हल कर सकता हूँ। टाइम कैसे हैंडल होगा कि जो उस टाइम पे तुमने काम करना है वो काम मैं कर लूंगा, कुछ इस तरीके से अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर ले तो क्या होगा। फिर अगर हमने ये कहना कि अगर मेरे पास पैसे हुए या मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं फंक्शन अरेंज करूंगा, तो यहाँ पे किसी एक चीज का ट्रू होना जरूरी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए और बी, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है टुडे इज मंडे, आज का दिन पीर है, या मैं स्कूल में हूं आई एम इन स्कूल, ठीक है, इसको इस तरीके से रीड करते हैं। अच्छा, और जो नॉट ऑपरेटर है ये किसी एक चीज के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं नॉट ए, ये लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये है ए का मतलब क्या था, ए का मतलब था टुडे इज मंडे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा टुडे इज नॉट मंडे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लिख दूं नॉट बी, तो इसका मतलब क्या होगा आई एम नॉट इन स्कूल, आई एम नॉट इन स्कूल,
ठीक है, यानी कि नॉट लग जाएगा उसके साथ। पहले था कि मैं स्कूल में हूँ, अब मैं स्कूल में नहीं हूँ। तो बच्चों ये ऑपरेटर्स थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इससे पहले मैंने बुलियन अलजेब्रा आपको बताया क्या होता है, हमने ट्रुथ वैल्यूज देखी, इनको बुलियन वैल्यूज भी कहते हैं, और जो है ना हमारे पास प्रोपोजिशन क्या होती है, उसके बाद ऑपरेटर्स को देखा। याद रखें जो ऑपरेटर्स का भी रिजल्ट है ना, ऑपरेटर लगा दें तो वो भी हमारे पास, ये भी अब पूरी एक प्रोपोजिशन बन गई। हम यानी कि डिफरेंट प्रोपोजिशन को कंबाइन करके एक और नई बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं ये कह दूं कि ये हमारे पास क्या है, तो ये भी एक प्रोपोजिशन ही है। और याद रखें प्रोपोजिशन का भी आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे, अब अगले लेक्चर में हम देखते जाएंगे इसको कि हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है कि ट्रुथ टेबल में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह ताला ऑपरेटर्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी रिजोल्व हो जाएगी। अगर कोई और इशू है आपको, तो बिस्मिल्लाह दूसरी पढ़ के दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा, इशू रिजोल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में खासतौर पर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।